हेलो वन एंड ऑल, हाउ आर यू ऑल। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, कैसे हो आप लोग बताओ। देन विल प्रोसीड फॉर अ न्यू सब्जेक्ट। सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है ये। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू डूइंग पीपीडी। वेरी गुड आफ्टरनून तपन, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। सबको बधाई है और वी आर लकी टू हैव ग्रेट मदर्स हु आर टेकिंग केयर ऑफ अस। गुड आफ्टरनून गीतांजलि, चंदन, बाकी कहाँ गए, सब सो गए। नींद तो आता रहेगा भाई, नींद तो आता रहेगा। बहुत दिनों बाद आप लोग को देख रहा हूं मैं आज। रोहित गुड आफ्टरनून, सत्या वेरी गुड आफ्टरनून, आई एम डूइंग वेरी गुड एंड फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग। बहुत दिनों बाद मिल रहे, अच्छा लग रहा है। अभी बहुत सारे मैसेज आया था हमें कुछ दिन पहले कि सर मैकेनिक्स का प्रॉब्लम हो रहा है, मैकेनिक्स का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बोला क्या प्रॉब्लम हो रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ करिए। तो मैं बोला कुछ करेंगे मतलब करेंगे तो क्या, पढ़ना है, पढ़ना है तो क्लासेस लेना है। तो हम फाइनली ओ दूसरे के अकाउंट में घुसकर लोग बात करते हैं आजकल, बी केयरफुल। ठीक है स्वाभिमानी जी, दूसरे के अकाउंट में घुस लिया आप, ठीक है। तो बात है, ये जो मैसेज आया था, हम डिसाइड किए कि हम मैकेनिक्स क्लास लेंगे, ऑनलाइन रहेगा, जैसे कि हम पहले से प्रॉमिस किए थे। हमारा काम है सिलेबस को कंप्लीट करना विद कंप्लीट, आपके समझ में आए। वो मेरे लिए बड़ी बात है कि आपको समझ में आए, सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग पहले आए, बाकी एग्जाम तो होता रहेगा। एंड मैकेनिक्स एज यू नो वन ऑफ द टॉफेस्ट सब्जेक्ट, आई टेल यू गाइस, वन ऑफ द टॉफेस्ट सब्जेक्ट इन योर एंटायर इंजीनियरिंग। यू विल गेट टू नो वेरी सोन, दिस इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट आई टेल यू। देर आर मेनी रीजन फॉर दिस सेम। द रीजन इज बींग द कंसेप्ट द टीचर इज प्रोवाइडिंग यू इज रॉन्ग, आई कैन बेट ऑन इट। Neglect few teachers, but still. The next is the student is not actively participating in the classroom, is not interested. And इसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स रिलेटेड चीज है एंड बहुत सारा चीजें आपको सीखना है। अब मेरा क्वेश्चन है, ओ मम्मीज अकाउंट, ग्रेट ग्रेट, ओके ओके, हैप्पी मदर्स डे गीतांजलि मॉम, ठीक है। गुड आफ्टरनून अरविंद परिडा, हाउ आर यू, अच्छे हो आप। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो सब्जेक्ट लर्निंग प्रोसेस रहेगा, हम कैसे करेंगे, जो क्लासेस होता रहेगा हम आपको वो लिंक देते रहेंगे। आई थिंक अभी वीकली 2 या 3 क्लास रखेंगे, नेक्स्ट में संडेज में हम कंटिन्यू करेंगे ज्यादा। नोट के लिए जैसे पहले बोला गया था, नोट के लिए वरीड मत हो, बट ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, आपको मेरे साथ कुछ लिखना पड़ेगा, आपको मेरे साथ कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वेरी गुड आफ्टरनून सुश्री। तो बात है मैकेनिक्स सीखने से पहले आपको ये और एक क्वेश्चन है सर, हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, हम मैकेनिकल के, सिविल का है, हम वगैरह वगैरह। लेट मी टेल यू गाइस, ये जो साइंस है ना, साइंस हमारे चारों ओर जो आप देख रहे हो वो है साइंस। दिस इज द फैक्ट, व्हाट एवर यू आर सीइंग आपके चारों ओर। साइंस को ह्यूमन डेवलप नहीं किया, साइंस इज अ फैक्ट, साइंस इज द नेचर। हम उसे रीड करते हैं भाई, हम उसे क्या करते हैं, रीड करते हैं। जब इंसान इस धरती में आया, उसने क्या किया, उस साइंस के ऊपर कुछ काम किया। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, ये माउस किसने की बनाया, एक ह्यूमन बनाया। दिस इज कॉल्ड इंजीनियरिंग, दैट इज द रीजन वी से इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। साइंस से हम बहुत सारा चीज सीखे, वो एप्लीकेशन कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, कैन बी राइट ऑल्सो। मोटिव क्या है, इंसान को वो सब फैसिलिटीज मिले। एक पीसी चाहिए, आज के डेट में कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अभी देखो कंप्यूटर है तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो ऑनलाइन हम आपको नहीं पढ़ा पाते। मैकेनिक्स क्यों, आप क्यों, मेरा टॉपिक है मैकेनिक सब्जेक्ट का मीनिंग। देखो ऐसे होता है, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाना चाहिए, वो हम हमारा काम है। आपको पहले जानना है कि मैकेनिक्स हम पढ़े क्यों, मैकेनिक्स हम पढ़े क्यों। मैकेनिक्स का मतलब नहीं कि गाड़ी संभालना, गाड़ी को रिपेयर करना। हु टोल्ड यू दैट इज रॉन्ग।
मैकेनिक्स इज समथिंग यू हैव टू एनालाइज द साइंस, आपको साइंस को एनालाइज करना है. सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक गाड़ी में जा रहे हो भाई, एक गाड़ी में जा रहे हो एक ब्रिज के ऊपर, दैट ब्रिज इज वाइब्रेटिंग. वॉट इज दैट? द डिफॉर्मेशन इज देयर. आपके कुछ वजन है, मान लो मेरा कुछ वजन है, ये वजन मेरे हाथ के ऊपर गिरा तो यहाँ पे थोड़ा दर्द हुआ, थोड़ा स्ट्रेस जनरेट हुआ. इंसान को वो सब जानना चाहिए. आई एम नॉट टेलिंग जस्ट बिकॉज यू आर स्टडिंग इंजीनियरिंग. ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी अवेयर ऑफ दिस. व्हाट इज फोर्स? क्या प्रॉब्लम होता है? हवा बहुत जोर से चल, वाइंड का स्पीड कितना प्रॉब्लम क्रिएट होता है? अर्थक्वेक कैसे होता है? सबका सबका अगर कोई कोर टॉपिक है वो है मैकेनिक्स. इफ यू एक्सेल इन मैकेनिक्स, आई टेल यू, यू कैन एक्सेल इन एनी फील्ड. तो सब्जेक्ट लर्निंग के लिए आते हैं, पहले सब्जेक्ट को अच्छे से सीखते हैं, देन देखो बाद में बाकी सब हो जाएगा. फोर्स क्या है, ये क्या है, वो मेरा काम है. आप उसके लिए वरीड ना हो, एग्जाम के लिए वरीड ना हो. हम जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़े, जैसे कि हम आपको बताएं. आपका काम है इसको अच्छे से समझे. नेक्स्ट कम टू द सिलेबस पार्ट. थोड़ा सिलेबस आपका देखते हैं क्या है. चलो देखो, ये बीपीयूटी का सिलेबस है, ठीक है. ये बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारा बैक्स लगता है. मैं बताता हूं आपको, बच्चों का बहुत बैक भी लगता है, बट उसके लिए आप वरीड ना हो, क्योंकि आपको एक प्रोसेस से मैं लेके जाऊंगा पूरा. आप कैसे, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, वो मेरा काम है भाई, वो मेरा काम है. आपका कंसेप्ट में कैसे बिल्ड करूं, हम कैसे पढ़ाई करेंगे. अभी इसको हम मॉड्यूल 1 से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि वहां से फोर्स क्या होता है वहां से पता चलता है कि सिस्टम क्या होता है, फोर्स क्या होता है, पैरेलल फोर्सेस क्या होता है, मेथड क्या होता है, फ्रिक्शन वगैरह क्या होता है. उसके बाद मॉड्यूल 1 होने के बाद मैं आपको एक टेस्ट करवाऊंगा, मॉड्यूल 1 का टेस्ट. मॉड्यूल 1 के टेस्ट में आपको पता चल जाएगा आपका बेसिक्स कितना है. हम और एक बात बता रहे, अगर आपको मॉड्यूल 1 नहीं पता, आप मॉड्यूल 2 में गिरोगे, मॉड्यूल 3 में अच्छे से गिरोगे, मॉड्यूल 4 में मर जाओगे. क्यों? मॉड्यूल 1 इज कनेक्टेड टू ऑल द मॉड्यूल्स. मॉड्यूल 1 इज कनेक्टेड टू ऑल द मॉड्यूल्स. सपोज फॉर एन एग्जांपल, आपको 1 × 3 नहीं पता, मैं आपको बोलूंगा 3/1 कितना है. सेम अप्लाइज टू मैकेनिक्स. आपको मॉड्यूल 1 अच्छे से पढ़ना, क्योंकि पूरा बेसिक्स. अगर मैकेनिक्स का 90% कॉन्सेप्ट कहां पे है वो मैं बताता हूं, मॉड्यूल 1 में. सिर्फ मॉड्यूल 1 में आपका 90% कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, आपको वो निकालना है. वो मेरा काम है भाई, मैं बता रहा हूं आपको. इट इज माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. इफ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस यू विल गेट द रिटर्न. एंड आई एम नॉट आस्किंग एनी मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, दिस इज फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स. मैंने सोचा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं आप लोग अच्छे से पढ़े, जो मार्क्स लाओगे वो मेरे लिए गिफ्ट है. फॉर अदर्स, यस आई एम चार्जिंग फॉर अदर्स, फॉर माई पास्ट स्टूडेंट्स, उनके लिए वो छोड़ दिया मैंने, ठीक है. नेक्स्ट, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको क्लासेस अटेंड करना होगा. बुक्स रिकमेंड मैं नहीं करूंगा. जो बुक अगर मैं रिकमेंड करूंगा, आप उसके अंदर खो जाओगे, नींद हो जाएगा. जैसे लिखा है टिमो सिंह को, उसमें नींद आता है. सो नो नीड टू वरी फॉर द बुक्स. आई विल प्रोवाइड बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लास नोट्स, ठीक है. आज मैं छोटा छोटा कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा, बहुत ही कम कंसेप्ट. नेक्स्ट क्लास से हम और भी डिटेल्स में जाएंगे. आज जो कंसेप्ट में सिखाऊंगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा देखो. चलो मैकेनिक्स में एक टर्म यूज होता है, एक टर्म यूज होता है. कोई भी आप क्वेश्चन उठा के देखो, कोई भी चैप्टर उठा के देखो, वहां पे लिखा जाता है बॉडी. ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू दिस, दिस बॉडी कैरीज द लोड ऑफ 5 न्यूटन, दिस बॉडी इज कैरिंग समथिंग यूवीएल वगैरह. बॉडी का ये जो वर्ड है ना, हर क्वेश्चन में होता है. मैं आपको बताता हूं ये बॉडी एग्जैक्टली है क्या, ये बॉडी एग्जैक्टली है क्या. देखो
बॉडी डजंट मीन कि ह्यूमन बॉडी, वो कंसेप्ट दिन से यहां से निकालो, यहां से निकालो। बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी नहीं होता, बॉडी मतलब एक ऑब्जेक्ट होता है दैट कैन बी ए ह्यूमन बॉडी बट नॉट नेसेसरी टू बी ह्यूमन बॉडी। बॉडी कैन बी ए दिस पेन कैन बी ए बॉडी, ओके दिस पेन कैन बी ए बॉडी, दिस माउस ऑल्सो कैन बी ए बॉडी, दिस ग्लास एंड वाटर कैन ऑल्सो बी ए बॉडी। हम उसको नहीं लिखते। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूंगा, माई फोन इज सब्जेक्टेड टू 5 kN फोर्स, देयर इज नो नीड टू राइट माई फोन, यू कैन राइट ए बॉडी, बॉडी कैन बी एनीथिंग। तो उसका डेफिनेशन क्या रहेगा, मैं यहाँ पे खुद लिखता हूँ बॉडी, उसका कुछ वजन होना चाहिए। अच्छा ये पेन देखो, ये पेन का कुछ तो वजन होगा, 5 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 15 ग्राम हो, उसका कुछ वजन होता है। तो इट शुड हैव सम वेट, इट शुड हैव सम वेट, नंबर वन पॉइंट, इसका कुछ वजन होना ही चाहिए। नेक्स्ट, इट कैरीज द स्पेस इन, इट कैरी स्पेस, यानी कि सपोज आप जहां पे बैठ रहे आप कुछ स्पेस को कैरी करते हैं, एक जगह पे कुछ स्पेस को आप कैरी किया, यानी कि उसी स्पेस में आप वहां पे आपका बॉडी रुका। सपोज ये माउस, इसको मुझे रखना है तो इसके ऊपर रखना है, तो कितना स्पेस लिया, देखो इतना स्पेस मैंने ऑक्यूपाई किया, इतना स्पेस मैंने ऑक्यूपाई किया। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बॉडी। अगर कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी इन केस ऑफ मैकेनिक्स, डायरेक्ट बोलना सर बॉडी का कुछ वेट होना चाहिए, डजंट नेसेसरीली बी 10 kN, कुछ भी, कुछ भी, कुछ तो वजन होना चाहिए। एंड नंबर टू पॉइंट इज, ये कुछ स्पेस लेना चाहिए इस धरती में। काम खत्म। आप बोलोगे सर एग्जांपल दे दो, अरे झंड बोला ना, एनीथिंग, आप कुछ भी देख लो, एक ट्री के बारे में बात करो, खुद के बारे में बात करो, या कोई भी चीज के ऊपर बात करो, ये स्केल के ऊपर बात करो, इस स्केल के ऊपर बात करो, इसका भी कुछ वजन है, स्केल के ऊपर बात करो, उसका भी कुछ वजन है, ये भी जब रहता है कुछ के ऊपर रहता है, तो देखो कैरी स्पेस हुआ। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बॉडी, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बॉडी। अगर समझ में आया जल्दी ठोको लाइक। आया समझ? सुपर सुपर। तो बॉडी क्या है, मुझे समझ में आ गया, इसका कुछ वजन होना चाहिए। और एक टर्म यूज होता है मैकेनिक्स में, उसका नाम है भाई, उसका नाम है पार्टिकल। मैं जो बता रहा हूं वो सुने, ये आप पढ़े होंगे, आपके 12th में भी पढ़े होंगे पार्टिकल। ए पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू दिस, अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू दैट, ए पार्टिकल इज मूविंग इन दिस। सो ये फिर पार्टिकल क्या चीज है? देखो पार्टिकल का बात तब आता है जब इसका वजन को हम नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट मतलब नहीं कि जीरो, नेग्लेक्ट मतलब हम इतना इग्नोर करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक हवा का झोंका यहाँ पे टकराया, तो मुझे लगा कुछ नहीं यार, कुछ दर्द, बहुत जोर से जब हवा आता है तो ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ वजन, कुछ मैं कुछ झेल रहा हूं। पार्टिकल मतलब क्या होता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी ए नेग्लिजेबल मास, बहुत ही छोटा, उसको हम बोलते हैं पार्टिकल। बॉडी इज डिफरेंट, बॉडी कैरीज स्पेस, उसका जो वजन होता है इट शुड कैरी स्पेस, बट पार्टिकल स्पेस लेता है बट कम लेता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा है। अब आप पूछोगे सर एग्जांपल क्या है, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। क्रिकेट स्टेडियम में आप लोग, स्टेडियम में आप लोग बैठे हो, एक जब क्रिकेट पर्सन खेलता है, बैटिंग करता है, जब बॉल को उड़ाता है, तो उसी बॉल को आप जब देखते हो स्काई में, वो बहुत ही छोटा सा दिखता है, बट रियल लाइफ में देखो इतना बड़ा बॉल है, बट हम जोर से दूर से देखते हैं छोटा सा, एक पॉइंट मास जैसे दिखता है। यू कैन टॉक अबाउट एरोप्लेन्स आल्सो, एरोप्लेन भी हम यहां से जब देखेंगे छोटा सा, आपको लगेगा कोई भी चीज एक जा रहा है धीरे 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 करके जा रहा है। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ए पार्टिकल। तो इसमें मैं ये लिख सकता हूं, एक पॉइंट मास होना चाहिए, पॉइंट मास मतलब
देखो ये आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी डजंट नीड टू बी सेम। हम उसे आइडियोलॉजी जैसे मानते हैं कि पार्टिकल मतलब एक पॉइंट मास जैसे होता है, दूर से जब देखते हैं पॉइंट मास जैसे होता है, दैट्स व्हाट कॉल्ड एज पार्टिकल। और कभी कभी क्या टर्म आता है, देयर आर डिफरेंट पार्टिकल्स, इसका मतलब छोटा 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 करके बहुत सारे पार्टिकल्स, छोटा 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 करके बहुत सारे पार्टिकल्स है, हम उसे बोलते हैं देयर आर डिफरेंट पार्टिकल्स। अब आया समझ डिफरेंस, एक होता है बॉडी जिसका कुछ वजन होता है, पार्टिकल का भी वजन होता है बट हम निगलेक्ट करते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा होता है। एग्जाम्पल मैंने दिया क्रिकेट बॉल का, हम जब दूर से देखते हैं ना, देखो एग्जाम्पल क्रिकेट बॉल का दे, इसका मतलब नहीं कि क्रिकेट बॉल ही पार्टिकल है, मैं क्या बोल रहा हूं वो सुनो, वो बहुत ही छोटा छोटा चीज होता है। ये सब टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं मैकेनिक्स में, तो आपको वो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि पार्टिकल का चीज जो नाम लिखा जाता है उसका मतलब क्या है। वो पॉइंट मास होना चाहिए, यानी कि मास इज वन, दैट शुड दैट कैन बी बिलो ऑल्सो। अगर मास ज्यादा है वी कैन कॉल इट ए बॉडी। अगर इसके बारे में बात करूं, ये माउस के ऊपर में बात करूं, ये माउस का वजन कभी भी एक से कम नहीं होगा बेटा, तो इट कैरी सम वेट एंड कैरी सम स्पेस, दैट इज द रीजन आई कॉल दिस इज ए बॉडी, राइट, दिस इज ए बॉडी। अब नेक्स्ट हम जाएंगे और एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है, एक बहुत ही अच्छा चीज आपको बताने वाला हूं, वो है कंटिन्यूम। कंटिन्यूम सर ये चीज क्या है, ये कंटिन्यूम चीज क्या है, हम पढ़े थे ट्वेल्थ में फिजिक्स में, भूल गए, इसका मीनिंग क्या है। मैं आपको ये टर्मिनोलॉजी इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सब टर्मिनोलॉजी हर दिन में यूज करूंगा, बाद में नहीं बताना कि सर कंटिन्यूम क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर ले लिया, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मैं यहां पर ले लिया, वॉइस इज नॉट क्लियर, वेट वन सेकेंड, अब क्लियर आ रहा है वॉइस हेमा, अभी वॉइस क्लियर आ रहा है, प्लीज चेक एंड रिवर्ट। If the voice is clear, please let me know. Super. अच्छा अब देखो मैंने क्या करा, एक सॉलिड का ऑब्जेक्ट लिया, सॉलिड मीन्स आपके चारों ओर जो भी देख रहे हो वो सॉलिड ही है भाई। अब मॉलिक्यूल के बेसिस में मैं बात करूं, अगर मैं मॉलिक्यूल के बेसिस में बात करूं, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स रहता है, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स रहता है, वो सब ऐसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहता है सॉलिड के अंदर। एंड हम पहले से बताएं सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल रहता है, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल उनके अंदर जो बॉन्डिंग होता है बहुत बहुत ही स्ट्रांग होता है। अगर मैं इसको हटाना चाहूंगा ये नहीं हटेगा क्योंकि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है भाई, ये बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग है, दैट इज व्हाट कॉल्ड अ सॉलिड। बट लिक्विड के केस में देखो, आप पानी को ऐसे मार दो, देखो पानी चला जाता है, मगर सॉलिड के केस में इजिली ब्रेक नहीं होता है बेटा, बॉन्डिंग इतना इजिली ब्रेक नहीं होता है जैसे लिक्विड में होता है। एंड गैसेस में तो कंप्लीटली होगा क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल इधर एक है और एक उधर है, गैसेस में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, मगर सॉलिड के केस में बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग रहता है, बचपन से हम पढ़ के आ रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, मैं क्या काम करूंगा, ये जो देखो ये बॉन्डिंग है, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल के अंदर देखो एक बॉन्डिंग है, ये मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग। अब कंटिन्यूम क्या बताता है, कंटिन्यूम ये बताता है कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर मॉलिक्यूल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए, एक मॉलिक्यूल से और एक मॉलिक्यूल। फॉर एन एग्जाम्पल इसका डिस्टेंस कुछ नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल है, इसका भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे हो, ये यहाँ पे हो, ये यहाँ पे है, वो ये गलत है, कंटिन्यूम नहीं है। देयर हैज टू बी द सेम डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल ये सेम डिस्टेंस होना चाहिए। एंड
इतना याद रखे, डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। डिसकंटिन्यूटी मतलब देखो ये यहाँ पे है तो यहाँ पे और एक होना था, ये यहाँ पे मत, ये तो नहीं है ना रियल लाइफ में, वो यहाँ पे है, इसका मतलब ये कंटिन्यूम में नहीं है मगर ये रेड कलर का आपका कंटिन्यूम है। दैट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे दैट द डिस्टेंस शुड बी एग्जैक्टली मैचिंग। फॉर एन एग्जाम्पल मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे प्रेशर क्या है मैं देखूंगा। वैसे देखा जाए मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल प्रेशर देखना बहुत इजी नहीं है, ये मॉलिक्यूलर लेवल में बात हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल इसका प्रेशर मैंने चेक किया 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी प्रेशर सेम होना चाहिए, इसका भी प्रेशर सेम होना चाहिए, इसका भी सेम होना चाहिए, इसका भी सेम होना चाहिए। सो आई कैन से दिस इज आइडियल सिस्टम। सी हम बहुत सारे टर्म में आइडियल सिस्टम के ऊपर बात करते हैं, दैट पर्सन इज आइडियल पर्सन। सपोज आप में से कोई है वो बहुत आइडियल इंसान है, वैसा आइडियल कोई नहीं होता बच्चा, सबका प्रॉब्लम होता है कुछ ना कुछ, मगर आइडियल मतलब ही इज द बेस्ट। तो वैसे ही कंटिन्यूम मतलब इट डजंट एग्जिस्ट बट वी स्टडी अबाउट इट। नॉर्मली ऐसा एग्जिस्ट 100% एक्यूरेसी कहीं नहीं मिलेगा। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल अगर कोई सॉलिड को मार भी रहा है तो मॉलिक्यूल वहां से डिस्ट्रैक्ट होता है बेटा, मॉलिक्यूल वहां पे बैठता नहीं है। सॉलिड को करना डिफिकल्ट है मगर मॉलिक्यूल हटता है, ठीक है, क्यों नहीं तो ब्रेक कैसे हो रहा है, एक लकड़ी को ब्रेक कैसे कर रहे हो, अगर ये से है तो ब्रेक कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारा फोर्स उससे ज्यादा है, दैट इज द रीजन वी ब्रेक इट। तो दिस इज ऑल अबाउट कंटिन्यूम। अच्छा ये समझ में आया तो जल्दी ठोके लाइक, कंटिन्यूम अगर समझ में आया देन वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट। आया समझ कंटिन्यूम जल्दी बताए। साउंड थोड़ा थोड़ा ग्लिच हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है बट आई विल श्योरली चेक, मैं इसको चेक करूंगा डिवाइस में क्या प्रॉब्लम है, अभी तो पता नहीं चल रहा है, देखते हैं। डोंट वरी विल टेक केयर ऑफ द साउंड नेक्स्ट टाइम, ये थोड़ा झेल लेते हैं। तो ये समझ में आया। अब मैं बात करूंगा रिजिड बॉडी के ऊपर, इसके ऊपर बात करूं मैं रिजिड बॉडी। देखो बहुत टाइम हम बच्चों को बता रहे हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है, अभी फिर से बता रहे रिजिड बॉडी। पता है ना, एक बंदा मान लो और एक बंदे को मार रहा है, वो झेल रहा है, मुझे मारा मुझे कुछ दर्द नहीं हो रहा, वो फिर से मारा है मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तो हम बोलते हैं क्या रिजिड इंसान है क्या, इसमें फीलिंग्स नहीं है भाई, ये बंदा का फीलिंग्स नहीं है। मान लो हाँ सुपर रिजिड इंसान है, कुछ भी गाली दे दो होता है, कुछ कुछ भी हम बोलते हैं वो सुनता नहीं, वो तो रिजिड इंसान है। वैसे मैकेनिक्स में एक रिजिड टर्म यूज होता है, मैकेनिक्स में एक रिजिड टर्म यूज होता है, रिजिड का मीनिंग क्या है हम आपको बताते हैं। फिर से हम बताते हैं रिजिड बॉडी धरती में नहीं है भाई, रिजिड बॉडी धरती में नहीं, वो पिघलता है, वो बंदा पिघलता है। कैसे देखो फॉर एग्जाम्पल ये बताए थे, फिर से बता रहे आपके अंडरस्टैंडिंग दोज हु आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने एक बॉडी ले लिया यहाँ पे, ठीक है, इस बॉडी को मैंने ले लिया। देखो अभी एक टर्म यूज किया, देखो बॉडी, अब देखो आया मजा, अब देखो आया मजा। मैं बताया था हर दिन मैं यूज करूंगा टर्म्स बॉडी पार्टिकल कंटिन्यूम, इसीलिए देखो अभी रिजिड बॉडी आ गया। आप लोग सोचेंगे कि सर बॉडी का मतलब क्या ह्यूमन बॉडी है भाई, नहीं बेटा बॉडी मतलब हम एक आइडियोलॉजी के नाम से उसका एक नोमेनक्लेचर दे दिए। दैट बॉडी कैन बी ए सिप, दैट बॉडी कैन बी ए टीवी, दैट बॉडी कैन बी एनीथिंग, दैट बॉडी कैन बी एनीथिंग, ओवरऑल उसका एक इंजीनियरिंग टर्म वर्ड दिया गया, उसका नाम है बॉडी। अच्छा अब बॉडी सब्जेक्टेड टू 5 न्यूटन फोर्स, मान लो यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स मैंने एड किया, ये टेंजाइल फोर्स है, एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो मैंने 5 किलोन्यूटन का फोर्स एड किया। दोनों तरफ से मान लो ये मेरा स्केल है, इसको मैंने दोनों तरफ से खींचा, इसको मैंने दोनों तरफ से खींचा। यहाँ पे दो चीज मैं आपको सिखाऊंगा, बता रहा हूँ यहाँ पे दो चीज जिंदगी में झंड सीख नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग लाइव नहीं देख पा रहे हैं, मैं क्या काम करूंगा अभी से लाइव के बाद, देखो मैं यहाँ पे आपके लिए पढ़ाता हूँ तो मुझे भी पढ़ना होता है, टाइम देते हैं, so you should respect that।
यू शुड रेस्पेक्ट द टाइम, नोबडी इज सिटिंग आइडियल. आप मेरा टाइम के बारे में आपको मुझे नहीं, कुछ नहीं पता. आई यूज 18 आवर्स, मैं बैठता ही नहीं. अगर मैं आपके लिए टाइम देता हूं, मुझे चाहिए अटेंडेंस, मुझे चाहिए आपका डेवलपमेंट. बस सर मुझे ज्वाइन करना है. मैं इसीलिए बोला, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इंटरेस्टेड है, कितने बच्चे इंटरेस्टेड है. एंड एक जो फीलिंग से, दैट इज द रीजन वी स्टार्टेड. आई वॉन्ट मैक्सिमम अटेंडेंस. अगर नहीं होता तो लाइव के बाद मैं बंद कर दूंगा, आपको रिकॉर्डेड और नहीं मिल पाएगा. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. यू कैनॉट अटेंड, लाइक कुछ टाइम नहीं है, कहाँ चले गए, दैट इज अ डिफरेंट. बट सोते सोते मैं बाद में देखूंगा, तो आपके लाइफ में डेवलपमेंट नहीं होगा बेटा. इतना इंटरेस्टिंग चीज कहीं पे नहीं मिलेगा. ढूंढ लो, इंटरनेट में ढूंढ लो. देखो, अब दोनों तरफ से देखो, मेरे बॉडी को खींचा. देखो, ये दोनों तरफ से मैंने बॉडी को खींचा. अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर मैं खींच रहा हूं, देख भाई, अगर मैं खींच रहा हूं, ये क्या है भाई? एक्सटर्नल फोर्स है. एक अदर टर्म आ गया भाई, यहां से सर बोल दिए, एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल मतलब क्या है? ये बॉडी से बाहर कोई भी फोर्स. आप देखो, मैं इस हाथ से खींच रहा हूं, इसका मतलब इस बॉडी के लिए मेरा हाथ क्या है? एक्सटर्नल है. खींचो या दबाओ, जो भी करो, ये एक्सटर्नल फोर्स है. देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं सर, यहां ये आपका एक्सटर्नल है, ये आपका एक्सटर्नल है. अब पूछेंगे सर, एक्सटर्नल आया, इंटरनल कुछ होता है क्या? बेटा होता है. इंटरनल भी एक टर्म होता है, वो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर दिखाता हूं. फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा साइकिल पंचर हो गया, ठीक है, मेरा साइकिल ना पंचर हो गया. एक बंदा बैठ के आ रहा है, तो साइकिल को लेने के लिए मैं मेरे दोस्त को कॉल किया. मैंने क्या करा, मेरे दोस्त को कॉल किया, बेटा तू भाई थोड़ा तेरा बाइक लेके आ, नहीं तो साइकिल इतना दूर मैं नहीं लेकर जा सकता हूं, तो क्या कर. वो एक रस्सी से यहां से बांधा, एक रस्सी उसके बाइक से पीछे लगा दिया, बाइक के पीछे लगा दिया. ये उसका बाइक, ठीक है, उसका बाइक. जब ये बाइक मूव किया आगे, जब ये बाइक मूव किया आगे, ये साइकिल भी मूव करने लगा. अब मेरा क्वेश्चन है, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है सर? सर एक्सटर्नल फोर्स हमारा बाइक है. साइकिल को एक फोर्स क्या करेगा? वो जाने नहीं देगा, वो है इंटरनल फोर्स. नॉर्मली मॉलिक्यूल के अंदर वो वही होता है. सपोज फॉर एन एग्जांपल, ये हाथ देखो, सॉरी इज नॉलेज ऑफ वेक्टर्स. यस यस यस, सब चाहिए, बताएंगे बताएंगे, डोंट वरी. हम आज शुरू किए बेटा, वेक्टर भी बताएंगे. तुम देखो जुगाड़ कैसे होता है, देखो वेक्टर भी चाहिए. देखो ये मेरा हाथ है, इस फिंगर को मैंने खींचा, इस फिंगर को मैंने खींचा, देखो इस फिंगर को मैंने खींचा, बट ये फिंगर इज कनेक्टेड टू माई हैंड, दिस फिंगर इज कनेक्टेड टू माई हैंड. ये फोर्स जब मैंने खींचा, ये मेरे लिए एक्सटर्नल फोर्स है, मगर ये खींचने नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो इंटरनल फोर्स है. वो बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं जहां पे हूं मैं वहां रहूंगा, तू मुझे क्यों खींच रहा है. जब एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स से ज्यादा होता है, तब ही बॉडी आपका ब्रेक होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स झेल पाता है, मैंने 5 दिया कुछ नहीं हुआ, मैंने 8 दिया कुछ नहीं हुआ. बेटा जब मैंने 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, जब मैंने 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बॉडी थोड़ा थोड़ा ब्रेक होने लगा. मैं ये आपको बोलना चाहता हूं कि यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स. इंटरनल एंड एक्सटर्नल इज कंप्लीटली डिफरेंट. इंटरनल मतलब वो जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होता है, एक्सटर्नल मतलब बाहर से आप जो भी फोर्स अप्लाई करते हो. आया समझ? अब देखो रिजिड बॉडी क्या है. फॉर एन एग्जाम्पल, अब भी देखो, मैं यहां पे पॉइंट ले लिया और यहां पे एक पॉइंट लेके मार्क किया, इसके अंदर जो दूरी है ये मान लो 5 सेंटीमीटर का था. तो मैंने क्या करा, बॉडी को खींचा 5 किलो न्यूटन, मान लो ये मैक्सिमम 10 न्यूटन झेल सकता है. जब 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, बॉडी थोड़ा बड़ा हो गया. बॉडी क्या हुआ, थोड़ा बड़ा हो गया, ऐसे हो गया. एंड ये जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था, नॉर्मल यहां होना था, ये यहां था, और एक जो पॉइंट इधर था वो यहां पे शिफ्ट हो गया. वो यहां पे क्या हुआ, वही शिफ्ट हो गया.
अगर इसका दूरी 5 है, ये आपका बन गया 5.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस चेंज हो गया। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डीफॉर्मेबल बॉडी, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डीफॉर्मेबल बॉडी। ये डीफॉर्मेबल बॉडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा जाता है। मगर रिजिड बॉडी के केस में अगर मैंने फोर्स में अप्लाई किया, ये जो 5.2 इधर हुआ ये सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज। इट मींस अंग्रेजी में लिखा जाए द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स रिमेन्स इन वेरिएंट, यानी कि दोनों पॉइंट में डिस्टेंस चेंज नहीं होता है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रिजिड बॉडी। एंड दिस रिजिड बॉडी पूरे एंटायर मैकेनिक्स में आप रिजिड बॉडी को ही डील करोगे, आप मानते चलोगे कि मैं ये रिजिड बॉडी है। डिफॉर्मेबल बॉडी के ऊपर बात नहीं होगा मैकेनिक्स में, we will entirely पूरे सब्जेक्ट में रिजिड बॉडी के ऊपर बात करेंगे, जो कि आइडियल है, ऐसे नहीं एग्जिस्ट नहीं है। अब जितना ही फोर्स अप्लाई करो वो बेंट होता है, बट स्टिल हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई है तो थ्योरेटिकल है, तो हमें मॉलिक्यूल लेवल में पढ़ाई करना है। तो रिजिड का मतलब क्या है सर, अगर दोनों डिस्टेंस मैंने लिया तो वो चेंज नहीं होता है, नहीं होता है बोल रहा हूं, नहीं होता है। अगर चेंज हुआ तो उसका नाम क्या है सर, उसका नाम है डीफॉर्मेबल बॉडी। अगर इतना आपको पता चल गया, मान लो मैकेनिक्स का फंडामेंटल आपका क्लियर हो रहा है, क्या समझ में आया, जल्दी ठोके लाइक एंड बोले ये सर। क्या पता चला, सुपर। अच्छा तो और एक क्वेश्चन है मेरा, अगर मैं आपका क्लास रखूंगा तो सुबह रखे या शाम को 7 बजे के बाद, कमेंट सेक्शन में लिखे, उसी हिसाब से मैं प्लान करूंगा। सुबह रखे, सुबह रहेगा तो सुबह 7 से 8:30 रहेगा, ऐसा कुछ टाइमिंग रहेगा। रात को रखेंगे तो रात को 7 बजे या 8 बजे, ऐसा कुछ टाइमिंग रहेगा। जस्ट लेट मी नो सुबह या शाम, मॉर्निंग या इवनिंग, कमेंट सेक्शन में लिखे। सुपर सुपर सुपर, ओके। ठीक है, हम आपका क्लास इवनिंग में ही रखेंगे। टाइमिंग हम आपको बताएंगे कि क्या रहेगा आपका टाइमिंग, हम उसी हिसाब से ग्रुप में डाल दिया करेंगे। तो जिसको भी नोट्स चाहिए वो ग्रुप में ज्वाइन होना इज कंपलसरी, एंड मैं बाहर नोट्स अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि एक एक करके करना मेरे लिए डिफिकल्ट की बात है। दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन ज्वाइन द ग्रुप, मैं क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करूंगा। नोट्स मैकेनिक्स आपको भूल जाओ, आप अभी से मान लो कि मैकेनिक्स सर हमारा हो चुका है, मैकेनिक्स के लिए आप भूल जाओ, बाकी सब्जेक्ट के लिए ध्यान दे। ये मेरा ये टीचर दे, मुझे देख लो, ये मेरा काम है, ठीक है, ये मेरा काम है। आप लोग को यहां से ना, यहां से लेके यहां तक लेके जाऊंगा, यहां तक लेके जाऊंगा। मैकेनिक्स जब कंप्लीट हो जाएगा दिल से बोलोगे कि सर थैंक यू सर, ये मेरा प्रॉमिस है। आप कितना निभाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं शेड्यूल लगभग वीक में 2 या 3 बार क्लास लूंगा आपका, टाइम एंड डेट मैं ग्रुप में देता रहूंगा, उसी हिसाब से बने रहिए। थोड़ा ये वीडियो देखो, और एक चीज है मैं हम आपको बता रहे हैं, मैं चाहता हूं ये कंटेंट हर एक स्टूडेंट्स को पास जाए, हर एक स्टूडेंट के पास जाए। जो वीडियो आपको पढ़ा गया अभी जस्ट, मैं चाहता हूं आप लोग एक टीचर के लिए इतना करें कि आपके स्टेटस में ये वीडियो का लिंक दे, सो लेट इट रीच ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लास में मजा तब आएगा जब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल अटेंड, एंड वो एक होता है, एक फील आता है कि पढ़ने में मजा आता है। सो काइंडली इट्स ऑल, इफ यू लव टुवर्ड्स योर टीचर,
एंड ये लिंक थोड़ा स्टेटस में डाले, शेयर करे और बाकी हमारा क्लास चलता रहेगा. वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स एंड टू यू ऑल, लव फॉर यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैप्पी संडे. बाकी क्लासेस का शेड्यूल हम देते रहेंगे. बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू.